नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। अफगानिस्तान मसले पर नई दिल्ली में आज एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में 8 देशों ने हिस्सा लिया। अफगानिस्तान के मसले पर यह तीसरी ऐसी मीटिंग हो रही है और पहली बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इस बैठक में भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हिस्सा ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में बढ़े आतंकवाद, उग्रवाद, नस्ली दवाओं के उत्पादन और तस्करी जैसे मुद्दों के अलावा सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर चर्चा हो रही है। 2018 में अमेरिका ने जब अफगानिस्तान से सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया तो उसके बाद उसी साल इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आइडिया सामने आया। सितंबर 2018 में पहली बार NSC लेवल की बातचीत हुई। इस बैठक की मेजबानी ईरान ने की थी। इस बैठक में भारत, अफगानिस्तान, ईरान, रूस और चीन शामिल हुए थे। दिसंबर 2019 में इसकी दूसरी बैठक हुई और इसमें तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने भी हिस्सा लिया। दोनों ही बैठक में शामिल होने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। NSC लेवल की तीसरी बैठक भारत की अध्यक्षता में हो रही है। इस बैठक को दिल्ली डायलॉग नाम दिया गया है। इस बैठक में भारत के अलावा ईरान, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हुए हैं। पाकिस्तान ने इस बैठक में शामिल होने से इंकार कर दिया था। वहीं चीन ने शेड्यूलिंग की समस्या के कारण इस बैठक में शामिल होने में असमर्थता जाहिर की है। इस मीटिंग के एजेंडे में 5 बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, जिसमें तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में बढ़ता आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ, तालिबान के आने के बाद शुरू हुआ क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन तथा अमरीकी और नाटो देशों की ओर से अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियारों से खतरा। भारत की मौजूदगी के कारण पाकिस्तान पहले की 2 मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था और तीसरी बैठक में भी उसने शामिल होने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने इस बैठक में शामिल नहीं होने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि भारत शांति दूत नहीं है। वहीं चीन ने भी एन मौके पर इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। चीन पहली दोनों बैठकों में शामिल हुआ था, लेकिन इस बार उसने शेड्यूलिंग की समस्या का हवाला देकर इससे दूरी बना ली। इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि चीन इस मसले पर यह संदेश देने की भी कोशिश कर रहा है कि वह भारत के नेतृत्व वाली किसी भी प्रक्रिया से नहीं जुड़ना चाहता। इसके अलावा चीन को तालिबान का करीबी भी समझा जाता है। शुरुआती दोनों बैठकों में अफगानिस्तान भी शामिल हुआ था, लेकिन इस बैठक में उसे नहीं बुलाया गया है। इसकी बड़ी वजह भी तालिबान है। तालिबान को इसलिए नहीं बुलाया है क्योंकि दुनिया के किसी भी देश ने उसे मान्यता नहीं दी है। अफगानिस्तान पर भारत का साफ कहना है कि तालिबान शासित अफगानिस्तान को आतंकियों का पनागा बनने नहीं दिया जा सकता। तालिबान राज में अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन तालिबान इनके अधिकारों की जरा भी फिक्र नहीं करता है। तालिबान पर पाकिस्तान की सरकार, सेना और खुफिया एजेंसी ISI का जबरदस्त प्रभाव है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।